उनके प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा, हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। पापा पर ये झूठा मुकदमा पे केस हुआ या केस वापस नहीं होगा तब तक मैं यही रहूंगी। मेरे पापा मुकदमा हुआ है तेरे पापा? मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया। मेरे पापा एसपी साहब को दो बार आवेदन दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या समा पर भी नहीं? तुम भी धरने पर आई हो, तुमको क्या कष्ट हो गया? हम लोगों को यही कष्ट है, जो मजदूर को कष्ट है वो हमको भी कष्ट रखे। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन क्लास में? सिक्स क्लास में। पर ये ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? यानी ढीबरा बंद हो गया तो तुम्हारा पढ़ाई भी बंद हो गया? हाँ। ओ यहाँ तक खाने के पैसा नहीं है तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? अपना पेट पालेंगे कि पढ़ेंगे? तुमको कभी डीसी साहब बुलाए कि तुम बैठी हुई हो आओ बात करो? नहीं, पढ़ाई आज तो चिल्ला चिल्ला के बोले लेकिन डीसी साहब पास से गुजर के गए लेकिन यहाँ तक देखे भी नहीं। खिड़की शीशा गाड़ी का शीशा खोल के भी नहीं देखे तो वो हमको बुलाएंगे। यार मेरे पापा पर ये झूठा मुकदमा पे केस हुआ या केस वापस नहीं होगा तब तक मैं यही रहूंगी। मेरे पापा मुकदमा हुआ है तेरे पापा पर? मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया। मेरे पापा एसपी साहब को दो बार आवेदन दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या और मेरे अंकल को भी जेल भेज दिया गया। क्या पुलिस केस तक जांच नहीं करेगी और सबको अंदर ले जाएगी? हम लोग भी रोड जाम करेंगे, हम लोग भी अंदर चल जाएंगे, सभी को जेल भेज दीजिए। तो क्या मांग है तुम्हारा, क्या होना चाहिए? यही अब हम लोग का मांग है कि ढीबरा जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम लोग धरने की चौथा दिन है और जब तक ढीबरा चालू नहीं होगी तो हम लोग यहाँ चार महीने तक के भी रह सकते हैं। यही जमे रहेंगे? हाँ। वो बात मनवा के ही जाओगी? हाँ। तब पढ़ाई तुम्हारा चालू होगा? जब ढीबरा चालू होगा तब हमारा पढ़ाई चालू होगा। ओ, कौन स्कूल में पढ़ती है? एसएसजीएन। कहाँ है स्कूल? हम घर के बगल में ही है हमारा स्कूल। सिर्फ हम नहीं पढ़ने जा रहे, बाकी सब मजदूर के बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ेंगे और हम लोग क्या अनपढ़ रहेंगे कि डीसी और एसपी के सिर्फ ऑफिसर बनेंगे पढ़ के? हम लोग इसी तरह अनपढ़ रहेंगे। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? पापा पर ये झूठा मुकदमा पे केस हुआ या केस वापस नहीं होगा तब तक मैं यही रहूंगी। मेरे पापा मुकदमा हुआ है तेरे पापा? मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया। मेरे पापा एसपी साहब को दो बार आवेदन दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या समा पर भी नहीं? तुम भी धरने पर आई हो, तुमको क्या कष्ट हो गया? हम लोगों को यही कष्ट है, जो मजदूर को कष्ट है वो हमको भी कष्ट रखे। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा? हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन क्लास में? सिक्स क्लास में। पर ये ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे? यानी ढीबरा बंद हो गया तो तुम्हारा पढ़ाई भी बंद हो गया? हाँ। ओ यहाँ तक खाने के पैसा नहीं है तो क्या पढ़ेंगे? हम लोग अपना पेट पालेंगे कि पढ़ेंगे? तुमको कभी डीसी साहब बुलाए कि तुम बैठी हुई हो आओ बात करो? नहीं, पढ़ाई आज तो चिल्ला चिल्ला के बोले लेकिन डीसी साहब पास से गुजर के गए लेकिन यहाँ तक देखे भी नहीं। खिड़की शीशा गाड़ी का शीशा खोल के भी नहीं देखे तो वो हमको बुलाएंगे। यार मेरे पापा पर ये झूठा मुकदमा पे केस हुआ या केस वापस नहीं होगा तब तक मैं यही रहूंगी। मेरे पापा मुकदमा हुआ है तेरे पापा पर? मेरे पापा पर झूठा मुकदमा में केस हो गया। मेरे पापा एसपी साहब को दो बार आवेदन दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या और मेरे अंकल को भी जेल भेज दिया गया। क्या पुलिस केस तक जांच नहीं करेगी और सबको अंदर ले जाएगी? हम लोग भी रोड जाम करेंगे, हम लोग भी अंदर चल जाएंगे, सभी को जेल भेज दीजिए। तो क्या मांग है तुम्हारा, क्या होना चाहिए? यही अब हम लोग का मांग है कि ढीबरा जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम लोग धरने की चौथा दिन है और जब तक ढीबरा चालू नहीं होगी तो हम लोग यहाँ चार महीने तक के भी रह सकते हैं। यही जमे रहेंगे? हाँ। वो बात मनवा के ही जाओगी? हाँ। तब पढ़ाई तुम्हारा चालू होगा? जब ढीबरा चालू होगा तब हमारा पढ़ाई चालू होगा। ओ
कौन स्कूल में पढ़ती हो? एसएसजीएम में। कहाँ है स्कूल? हम घर के बगल में ही है हमारा स्कूल। सिर्फ हम नहीं पढ़ने जा रहे, बाकी सब मजदूर के बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ेंगे और हम लोग क्या अनपढ़ रहेंगे कि डीसी और एसपी के सिर्फ ऑफिसर बनेंगे पढ़ के, हम लोग इसी तरह अनपढ़ रहेंगे। Goel Motors Premier League 2022 Cricket Battle starts from 16th March 2022. 10 teams, 150 players, 20 league matches, 2 semi-finals and final with grand ceremony. Don't miss the grand opening. Watch live on GMPL app and Live Times TV. Download the GMPL app from Google Play Store or iOS. And for live action, follow us.